वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया आज हम बात करेंगे असमाय हुसना में से बीसवें नंबर पर यानी अल्लाह के नाम को मिलाकर यह बीसवा नंबर बनता है और वह अल अललीमू का मन सब कुछ जानने वाला यानी वो ज़ात जो सब कुछ जानती है उसको अलीम कहते हैं और अल्लाह की ज़ात अलीम है और यह अलीम का जो वर्ड है ये कुरान करीम में एक सौ सत्तावन बार आया है वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन बार आया है और अलामू का वर्ड जो है वो तेरह बार आया थर्टीन टाइम और अलामूब का जो वर्ड है ये जो है वो दो बार आया पूरे कुरान करीम में तो अलिम वन फिफ्टी सेवन बार कुरान करीम में आया है बहुत अहम नाम है क्योंकि अल्लाह तबारक वाली के इलम को ज़ाहिर करता है और अलीम वो ज़ात होती है कि जो हर चीज़ के जाहिर बातिन को यहाँ तक कि उस चीज़ के वजूद से पहले और बाद के हालात से भी वाकिफ है यहाँ तक कि किसी भी ज़ात के अंदर के जो नज़रियात उनके कलब के अंदर छुपे हुए हैं अभी हैं या पहले होंगे या हो थे वो सारे के सारे अहवाल से वाकिफ है उसको आलिम कहते हैं और अल्लाह के इलम से कोई भी चीज़ कायन की बाहर नहीं है पूरी कायन के जर्रे ज़र्रे पर अल्लाह का इलम जो हावी है ये अलीम जात है और ये अलीम बड़ा बाबरकत नाम है ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व ताल के नाम का मज़हर है इसलिए इसके फ़जा फ़वायद में लिखा है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो इल्मारफत के दरवाज़े उस पर खुल जाएँ तो वह कसरत से यह अलीमों का विरध करें बक़सरत पढ़े जितना हो सके जब याद आए इसका विरध रखे यह आलिमों का तो अल्लाह तबारक व ताली जो है उसके दिल के दरवाजे इमो व मारफत के खोल देगा और अजीब व गरीब ओम व मारफ़ु उसको हासिल होने लगेंगे ये एक फ़ायदा है और अगर कोई चाहता है कि वो उसका हाफजा कवी हो जाए सारी याददाश्त मजबूत मद्दू, मजबूत हो जाए तो वो कसरत से इसी नाम का वे या आलिमों का तो वो इसी नीयत से रखेगा तो अल्लाह तबारक बदार उसका हाफजा जो है उसका कवी कर देंगे और अगर कोई ये चाहता है कि उसके काम जल्दी हो जाए करें उसमें रुकावट ना आया करें और जो दुआ मांगे जल्दी पूरी हो जाए करें कि ज़ाहर को दुआ के अंदर जल्दी का हुक्म नहीं है लेकिन एक चाहता है कि मैं जब मांगूँ अल्लाह फौरन दे दिया करे जो काम करूँ जल्दी तक हो जाया करे उसके लिए भी यही है कि यालीमों को कसरत से विद्ध करे उस काम या चीज़ की नीयत कर ले अगर स्पेसिफिक कोई चीज़ है नहीं तो मुतलक जनरल की नीयत कर ले कि या अल्ला जो मांगा करूँ फ़ौर दिया कर और जो काम करूँ जल्दी हो जाया करे तो यालीमों इस नीयत से सुबह से शाम तक पड़ता रहा करे तो ये इसके फ़ायद और एक फ़ायदा इसका यह है कि अगर चाहता है कि ये साहिब यकीन बन जाए इसका यकीन और इनकियाद इतना कवी हो जाए कि दुनिया की मादी चीज़ें सामने आ भी जाएँ तो उसकी नफ़ी करके उस यकीन पर कायम रहे सुभाने। क्योंकि ज़ाहिर के ना नज़र आने वाला तो सुर उस पर कायम रहना आसान नहीं है जबकि सामने मादी वजूद हो तो उस वक़्त ये यकीन मुतजल हो जाते हैं तो साहब यकीन अगर बनना चाहता है तो या अलीम जै फरमाया कि हर नमाज के बाद एक सौ एक दफ़ा पढ़ के अपने सीने पर फोंक लिया करे और दुआ कर लिया करें मैं ये कहा कर हूँ आज की नई नस्लों के अंदर इसका बहुत अहतमाम करना है वालदेन बच्चों से कहा कि बेटा या अलीमों जो है हर नवाज़ के बाद एक सौ एक दफ़ा पढ़ के सीने पर फोंक दिया करो उससे क्या होगा ये ईमान और यकीन इनकी इतनी कवी होगा कि दुनिया के मादी जो है वो नज़रियात से ठुकराए जब वो ठोकर नहीं खाएँगे और ये मजबूत रहेंगे और एक फ़ायदे है कि अगर ये चाहता है कि मैं साहब कशफ हो जाऊँ कशफ की आँख खुल जाए और मुझे जो है कोई ना कुछ चीज़ों का एहसास होने लगे पता लगने लगे अल्लाह की तरफ से तो हर नवाज़ के बाद एक सौ एक दफ़ा यामीब का विर्द करे यालीमुलब एक सौ एक दफ़ा पढ़ के अपने सीने पर फूँक दिया करे तो अल्लाह तबारक व तारा उसको जब ये नाम अपना इजलाल कर लेगा और इसके हकायक ज़ायर होने लगेंगे क्योंकि इसके अदद जो है यालीमों के जो है अदद एक सौ पचास हैं वन फिफ्टी और इसका मुफ़त अदब बनता है छ सिक्स बनता है लिहाजा जो है ये जब शुरू करेगा हर छः दिन के बाद समझो किबिया होंगे है हो सके छः दिन के बाद ही हो जाए कसाफत दूर होगी तो फ़ौर लताफत आ गई अगर पहले से लताफत है तो छः दिन में हो जाएगा वरना जो है अठारह दिन में बारहवें दिन में इस तरीके से छः के हिसाब से इस पर जो वो इजलाल करेगा ये नाम और उसके फ़वाद ज़ाहिर होने लगेंगे तो साहब कश्य अगर बनना चाहता है तो यह आलिमैब का विरध एक सौ एक दफ़ा करके सीने पर फूँक दिया करें और एक इसका फ़ायदे है कि अगर इस्तारा करना चाहता है कि मुझे पता चले एक चीज़ के बारे में एक काम के बारे में क्या करूँ और आज हर बंदा चाहता है इस्तारा करूँ तो अगर मर्द है तो कोशिश करे कि मस्जिद के अंदर ये अमल करे उसका तरीका यह है कि यह सोने से पहले जो है ये या यालीमुों या का जो विरध है यह यालीमों का विरध यह एक सौ पचास दफ़ा करे एक सौ पचास दफ़ा वर्द करके अपने सीने पर फूक मारे और अल्लाह से दुआ करके सो जाए मस्जिद में ही तो अल्लाह तबारक वतारा उसको ज़ाहिर कर देंगे और ये शब जुमा में करना है जुमे की रात तो जुमे की रात में अमल करके सो जाए तो अल्लाह ताला उसको ज़ाहिर कर दें अगर ख़वातीन है तो घर के अंदर कोई मखसूस जगह जो उन्होंने अपनी नमाज के लिए रखी है उसी मसल पर बैठ के अपनी ईशा की नमाज़ पढ़ें जब भी पढ़नी रात में पढ़ के और ये इसका एक सौ पचास दफ़ा अव्ल आखिर जो है ग्यारह दफ़ा जूशी पढ़ के अपने सीने पर दम करें और दुआ करके सो जाएँ कि इसके हाल में ज़ाहिर तो शब जुमा अमल करके वहीं सो जाएँ तो इन श्ला जो है रात में अल्लाह तबारकवादा उस चीज़ के हक़ खोल देंगे ये इसके रिलीमों के फ़ायद हैं और जहाँ तक तो ये ख्वाब तबीर का ताल्लुक है तो लिखा है कि जिसको या अली मुझे ख्वाब में उससे सुना या पढ़ा या देखा इसका मतलब अल्लाह तबारक व ताले इसको खास अता इल्म ख़ास अपने इलम में ख़ास इलम इसको अता किया जाएगा और वो इलम इसके लिए दुनिया के अंदर रहनुमा और हादी बनेगा इसके लिए होगा बहुत खूब हज़रत जो जो आपने बातें बताई और आपने एक बात बीच में कह दी बच्चों वाली जो मैं सोच रहा था कि मैं आपसे ये कहूँ कि ये तो बच्चों के लिए बड़ी कार दो तीन चीज़ हिसाब से एक तो हाफजे के लिए के और और दूसरे ये कि यकीन मुहकम के लिए तीसरे ये कि तालीम के लिए इम के लिए बिल्कुल तो तो ये ये बच्चों के लिए, के लिए लिए पेरेंट्स जरूरी बात बात है और एक बात और एक कि काम में रुकावटें दूर करना और जल्दी करवाने जल्दी के जल्दी लिए इसको बिल्कुर। करें बिल्कुर। तो हर वाले को अपने बच्चों की शादियों की नौकरियों की और अच्छाइयों की जरूरत है, है। बिल्कुल और दुआएं करते हैं माँ बाप बहुत ज्यादा आपके पास कितनी दुआ आती हैं यही पूछने के लिए तो अगर इस बात को वो अपना लें और ये करना शुरू कर दें तो उनके मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे बिल्कुल सही बात तो, तो और फिर ये कि अल्लाह से कुर्बत के लिए इसका इस्तेमाल तो तो करें, करें। कितनी आसान आसान सी बातें हैं छः छः दिन में इसके असरा जाहिर होने शुरू हो जाएंगे बहुत 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 बात है और इसको मुझे यकीन है कि लोग इस्तेमाल करेंगे और फायदा उठाएंगे जिनको फ़ायदा हो इससे वो ज़रूर हमें कॉल करके मुफ्ती साहब को बताएं कि उनकी इन बातों से उनको क्या फ़ायदा हो रहा है